माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर पे दो इम्पोर्टेंट न्यूज डाली है। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज है क्लास 12th के रिजल्ट के रिगार्डिंग। जो बच्चे ने क्लास 11th से 12th जाने के बाद अपने सब्जेक्ट को चेंज किया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी बच्चे के क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था और वो 12th में जाने के बाद कंप्यूटर साइंस को हटाकर फिजिकल एजुकेशन ले लेता है, तो वैसे बच्चों का जो रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें क्लास 12th का जो 3 पेपर होगा उसके एवरेज लिए जाएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो स्टूडेंट ने क्लास 11th और 12th में कोई भी पेपर नहीं दिया है, मीन्स यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड नहीं दिया है, तो वैसे बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे बच्चों को फेल माना जाएगा। वैसे बच्चे को 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में जो एग्जाम होगा वो एग्जाम में अपीयर होना होगा। फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बी कनेक्टेड एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल।